केशवाय नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वस्तिताय जनपालिने सुखे सदा त्राय ह्री नाम प्रेमदायिने नमः विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने त्रिवार्षभाय विदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण समन्त विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः माधुर्ज्वल प्रेमाढ्य त्रिरूपानुगमभक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्कृते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्रीरूपानुगमभाव सिद्धांत दंतहारिणी नमो गौरकेश्वराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबदे पादमुजायते नमः नाम भक्ति विनोदाय सचिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराभिभावमिष्टं निर्देशाय स्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः एतां सुरतोरुपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्बुजो श्रीराधा मदनमोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पदुर्माध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठलिभिः सिंहमान स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवाटतटस्थित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीअश्विना वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम दवन सम संसार दहनी दर्थ जीवकुल उधर कारणी करुणा बारी कृपा बारी दानी बंद Thank you.
रति संवर्धने युक्ति करे सखी सने वृंदावने अति दक्ष काहे प्रियता Thank you.
अर्को माइक दे दो बुझे बुझेगा आप जी वो स्पीकर था ना वो एक स्पीकर और दो माइक अनंत को हित नहीं पारे सुन हे रसिक जना कृष्ण गुण Thank you.
आई मन दृढ़ करी मुखे बोलो तार नाम भज हरि मन दृढ़ करो गाइते गाइते गा सकोगे वाह भजन जीव जागो जीव जागो मैं भी ऐसा ही करता हूं कोई अच्छा थोड़ी गाता हूं हां पहले जीव को जगाओ सबको सो रहे जीव जाग गाइते गौरा चांद बोले जीव जाग गौरा
Thank you.
मैंने सब पहले माइक कर पहले तो खत्म करने दो, रात हो जाए रात हो जाए जब माध तुम गाय तुम गाई चो तुम गाय कौन गाय तुम दीज गोटे गाइल रात हो जाए माधव देते गाओ जय राधे जय जय माधव Hare 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 Hare
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैककृतरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्रीसनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोके हे भट्ट युग्म सुमति रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मंद मतीर दयांगवरा। श्री तमादि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारं अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम कृपाद पद्म नितलीला भ्रविष्णम विष्णु पादोदर सद श्री 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 माधुभक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला भ्रविष्णम विष्णु पादोदर सद श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रीलाव नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। जबकि समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, बीच में वो चतुष्लखी आएगा ना, जो चतुष्लखी वो चतुष्लखी को हम अलग गुरुदेव ने एक ग्रंथ प्रकाशित किया केवल चतुष्लखी को बड़ी विस्तृत टीका लिखे गुरुदेव, उसको हम लोग अच्छे तरह से वो चतुष्लखी को पाठ करेंगे। हाँ, उसके बाद में फिर ये तृतीय स्कंध आता है, तो द्वितीय स्कंध में ये चतुष्लोकी जाती है उसको। हाँ, वो पूरा एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ पूरा के पूरा उसके ऊपर बहुत लंबा छोटा व्याख्या है। भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को यही चतुष्लोकी उन्होंने प्रदान किया था, पर ये चतुष्लोकी का जो व्याख्या है ये संपूर्ण ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसलिए अभी हम लोग तीसरा स्कंध को श्रवण करेंगे। बोले एवं एतत् पुरा पृष्ठा मैत्रेयो भगवान किल क्षत्रा बनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह संवृद्धिव। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, कहते उन्होंने कहते श्री
मैत्रेय भगवान की लजत्रा वनम प्रविष्ट ने त्यक्ता स्वगृह समृद्ध भक्त। कहते हमारे श्री विदुर जी हैं ये सारे समृद्धि, विदुर जी मंत्री थे, धृतराष्ट्र मंत्री थे, लेकिन उन्होंने सारे मंत्री को, मंत्री पद को उन्होंने त्याग करके किस लिए उन्होंने वन में उन्होंने किस लिए प्रवेश किया है, इतने समृद्धशाली राज्य को उन्होंने त्याग करके क्यों किया गए हैं। कहते एक तो यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, और दूसरा संवाद भी कहते मैत्रेय विदुर संवाद भी है, और एक संवाद भी कहते श्री उद्धव जी और श्री विदुर जी का संवाद, ये यहाँ पर तीन संवाद है। तब जिस समय कहते उन्होंने क्यों छोड़ कर गए, कारण क्या है, और जिस समय ये महाभारत युद्ध होने जा रहा था, अंतिम समय में कृष्ण ने पांडवों को बोले बोले दुर्योधन को और एक चांस दिया जाए, इसलिए कृष्ण स्वयं शांति दूत कृष्ण स्वयं बन करके जाते हैं, और वो समझाते हैं बोले देखो पांडवों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल उनको 5 गांव दे दो, ये 5 गांव में ही ये संतुष्ट हो जाएंगे, और तुम लोग पूरा ससागरा धरा सब तुम भोकर केवल 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने क्या बोले 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 5 गांव की बात करते हो, बगर युद्ध के बगर में सुई के नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए मैं प्रस्तुत नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा तुमको पता है इसका परिणाम क्या, बोले सब जानता हूँ। हाँ सब जानता, बोले घोर महायुद्ध होगा, युद्ध में कितने लोग मारा जाएंगे, कितने स्त्रियां विधवा हो जाएगी, कितने पिता माता पुत्रहीन हो जाएंगे, कितने बच्चे पितृहीन हो जाएंगे, वर्ण संकर सृष्टि होगा, कितने अनर्थ होगा, तुमको पता है। बोले मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मेरे को ज्यादा उपदेश देने का कोई जरूरत नहीं। इतने में विदुर जी, विदुर भी कोशिश किया, लास्ट में उन्होंने भी समझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन इनका उपदेश भी स्वीकार कोई नहीं किया। ये शकुनी, दुशासन और ये दुर्योधन तीनों बस मिल करके उन्होंने विदुर को ऐसे अपमान किए, ऐसे अपमान किए, कहते जिसकी थाली में खाते हो उसमें क्यों छेद करते हो, रह रहे हो हमारी पास में, आप पक्षे देते हो पांडवों का है, इसलिए कहते अगर आप हमारे चाचा नहीं होते ना तलवार से सर उतार देता तुम्हारी। बड़ी बुरी तरह से उनको गाली दिए। तो विदुर जी सारी अस्त्र शस्त्र सब कुछ रख करके उन्होंने जंगल में चले गए, बोले ये संहार होने वाले हैं, हमने बहुत कोशिश किया इनको रक्षा करने वाले। कहते ना विपरीत बुद्धि, क्या विपरीत बुद्धि, विनाश काले, हाँ विनाश काले विपरीत बुद्धि है, ये विनाश होने वाले, ये समझने वाले ये नहीं, इनका विपरीत बुद्धि है, इसलिए उन्होंने एकदम अवधूत होकर के उन्होंने चले गए, एकदम जंगल में चले गए। तो जंगल में चले गए भ्रमण करते करते उन्होंने सारे तीर्थों को उन्होंने भ्रमण किया है, उन्होंने करते करते जब श्री विदुर जी हैं कहते प्रभास क्षेत्र में आए, वहां पर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में ही उन्होंने श्रवण किया ये महाभारत युद्ध हुआ है, और जो सोच रहे थे वही हुआ है, और महाभारत युद्ध में सबके सब कुरु खत्म हैं, ये कुरु वंश सबके सब खत्म हो गया। फिर श्री विदुर जी की फिर उद्धव जी को साथ में फिर साक्षात्कार होता है, जब उद्धव जी को साथ में साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने कृष्ण का वंश भी, इधर तो पांडवों का वंश गए, उधर कृष्ण का वंश भी किया हुआ, उधर कृष्ण की वंश भी प्रभास क्षेत्र में वे लक्ष्मी सबके सब कृष्ण का वंश भी वहां पर समाप्त हो गए हैं, वो तो आगे आएगा सबके सब कथा, वहां पर भी सबके सब उनकी खत्म हो गया। इसलिए तब यहाँ पर कहते हैं श्री उद्धव जी का चरित्र को यहाँ पर सुना रहे हैं, कहते ये उद्धव जी कौन है, कहते कृष्णा परवर मंत्री कृष्ण से दैत सखा उद्धव बुद्धि सत्तम। इसलिए कहते इनका नाम ही उद्धव, उद्धव मतलब क्या, उद्गत तम जस्मा, जिससे संपूर्ण तम निकल गया है, ये श्री
कृष्ण की प्रेमातुर भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भक्त कृष्ण का ये उद्धव जी, जो कृष्ण नाम प्रवर मंत्री कहते इनके श्रेष्ठ ये मंत्री थे। कृष्ण को अगर कुछ करना हो इनसे ये परामर्श लेते थे। कृष्ण से दैत सखा अत्यंत प्रिय सखा, और शिष्य किसके हैं कहते बृहस्पति का साक्षात ये शिष्य हर उद्धम बुद्धि सतम, हर बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ श्री उद्धव जी। कहते इनकी बचपन की कथा सुनाते हैं, कहते ये इतने कृष्ण में ये चिंता में डूबे रहते थे, जब ये केवल 5 साल उम्र के होते थे वो कृष्ण की मूर्ति लेकर खेलते थे, और कृष्ण का मूर्ति को साथ में ऐसे खेलते थे, कृष्ण का मूर्ति को लेकर के माँ अगर बुलाती थी बेटा भोजन कर जाओ, वो भोजन के लिए नहीं आते थे। और जब सोते थे कृष्ण को गोद में लेकर के, उद्धव जी कृष्ण को गोद में सो कर लेकर के सोते थे, इसलिए इतने कृष्ण प्रति इनकी आविष्टता थी। इसलिए यहाँ पर श्री उद्धव जी हैं, जब उद्धव मैत्रेय ने उद्धव जी को कृष्ण कथा पूछे, उद्धव जी क्योंकि जब कृष्ण गए उद्धव वहीं पर थे, और कृष्ण उद्धव जी को सहारे हैं, जब उद्धव जी ने पूछा प्रभु आप तो ये मरते जगह तो छोड़ करके जा रहे हो, आपका विरह को मैं कैसे सहन करूं, इसलिए तब कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान प्रदान किया है। उद्धव जी को कहते उद्धव 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 संवाद है, उद्धव गीता उद्धव संवाद है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उसी समय जब उद्धव जी अभी कृष्ण की महिमा को सुनाना चाह रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने कृष्ण का चिंतन किया ना, एकदम उसमें प्रेम में विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए, कृष्ण चिंता में एकदम डूब गए। डूब करके कहते जत मर्त लीलो पैकम सुजोग माया बल दर्शयताम ग्रीताम विस्पापन सौभगे परम पद भूषण भूषणांगम। ये श्लोक याद है ना, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसलिए कहते जत मर्त लीलो पैकम, कहते हैं कहते भगवान का जो विग्रह है कहते ये क्या अपने लीला की उपयोगी है। इसका मतलब है कहते जो विग्रह नित्य से वृंदावन मथुरा में नित्य जो विद्यमान जो लीला जो प्रवक्ता रूप है, इसलिए कहते भगवान कहते ये मर्त लीला के ये उपयोगी ये विग्रह, कृष्ण ने जो रूप धारण किया था मर्त लीला की ये उपयुक्त ये विग्रह था। इसलिए कहते भगवान क्या जब अंतर ध्यान हुए क्या कृष्ण ये स्वरूप को लेकर चले गए, कृष्ण बोले नहीं, कृष्ण इस स्वरूप को लेकर के कृष्ण गए नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते ना वृंदावनम परित्यज पादेकम न गच्छामि, कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं एक कदम भी कहीं कृष्ण जाते ही नहीं। इसलिए सो जोग माया बलम दर्शयताम, इसलिए भगवान ये जो रूप धारण किया है हैं, ये जो रूप कृष्ण धारण किया कहते ये जोग माया को द्वारा हैं, कहते जोग माया का बल में अपना मूर्ति को उन्होंने प्रकटित किया है। बोले कृष्ण का रूप कैसे है, बोले विश्वापनम स्वस्थ परम पद भूषणम भूषणांग में, कृष्ण का जो रूप है वो अद्भुत रूप है, विश्वापन स्वच्छ कहते जी जो रूप को देख करके त्रिजगत मानस कर्षी हाँ सब विश्व ब्रह्मांड जिन्हें रूप को देख करके विश्व ब्रह्मांड मुग्ध हो जाते हैं कृष्ण की ऐसे रूप है। तब यहाँ पर श्री विश्वनाथ शुक्ल ठाकुर प्रभुपाद भी यहाँ पर वो बहुत सारे उदाहरण देते हैं कृष्ण का रूप कितने सुंदर है हैं, कहते भूषण भूषणांग में। इसलिए हम लोग भूषण क्यों धारण करते हैं, इसलिए हमारा शरीर सुंदर लगे, लेकिन कृष्ण जो भूषण क्यों धारण करते हैं, कहते कृष्ण की सुंदरता बढ़ता नहीं भूषण की सुंदरता बढ़ता है भूषण की है। कहते कृष्ण अपना शरीर को कपड़े से ढक कर क्यों रखते हैं, बोले कारण है किसका नजर नहीं लग जाए, किसकी नजर नहीं लग जाए। इसलिए कहते कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण इतने सुंदर हैं, कहते कहते वैकुंठ रूप से भी कृष्ण का रूप सुंदर है। यह उदाहरण देते हैं मैं जुबयोर दिदुख सुनम द्विजात्मता में जुबयोर दिदुख सता क्षण, ये जो श्लोक है ना इसको
तुम लोग लोट कर देना। यहाँ पर जो श्लोक है, जिस समय मतलब द्वारका में एक ब्राह्मण का बच्चा जन्म होता था, लेकिन जन्म होते ही संतान मर जाता था, जन्म होते ही मर जाता था। एक दिन अर्जुन को साथ में सारे कृष्णा, जहाँ पर बलदेव प्रभु, संकर्षण, प्रद्युम्न, सबके सब वहाँ बैठे हुए। जब वो ब्राह्मण का बच्चा मर गया, उसने लाकर सामने पटक दिया, बोले कृष्णा ये राजा का जो पाप है ये प्रजा को भोगना पड़ता, तू अधर्मी हो, इसलिए तेरी वजह से तू हमारी बच्चे मर रहे हैं। उन्होंने कृष्ण को खूब गाली गलौज दिया। वहां पर अर्जुन बैठा हुआ था, अर्जुन को सुनता हुआ गया, बोले मेरे सखा को ऐसे गाली, बोले ठीक है अगली बार मैं तेरे बच्चे को रक्षा करूंगा। इतने में ब्राह्मण बोले तो हीरा क्या रक्षा करेगा। जहाँ पर कृष्ण सख्या दाऊ भैया, यहाँ प्रद्युम्न अनिरुद्ध सबके सब बैठे हुए, ये कुछ नहीं कर, तू क्या कर, बोले मैं थोड़ी कृष्ण, मैं थोड़ी बलदेव, मैं गांडी बिहारी अर्जुन, अगर तेरे बच्चे को मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो ये सशरीर में अग्नि में आहुति दे दूंगा। उन्होंने पूरा ताव में आकर के उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, बोले एक ही काम करना, जब इस बार तुम्हारी बच्चे का प्रसव होने का समय आएगा केवल मेरे को बुला देना, बस मैं देख लूंगा। अभी प्रसव का जब समय आया, दौड़ दौड़ करके आया, बोले जल्दी जल्दी आओ। अर्जुन आए और सचमुच से ऐसे बाण मारा ना, जो सुती का गृह को पूरा बंद कर दिया, एकदम हवा भी जाने का कोई रास्ता नहीं, और स्वयं गांडी भी लेकर दरवाजा में खड़ा हो गया, देखता हूँ कौन आता है लेने के लिए। लेकिन हर बार तो बच्चा जन्म होता था लेकिन शरीर छूट जाता था, लेकिन शरीर रहता था। लेकिन इस बार तो बच्चा जन्म हुआ, जन्म होने पर बच्चा थोड़ा रोता है, बस रोने का आवाज आई और शरीर समेत गाये, शरीर समेत। ए ब्राह्मण को इतना क्रोध आया, बोले हीरे तेरे को मैं पहले ही बोल रहा था, जहाँ कृष्ण बलदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध बैठे हुए, ये कुछ नहीं कर पाए और तुमने डीघा का है, डीघा का धिकार तेरे जीवन को। अर्जुन बोले क्या हो गया। तब उन्होंने ध्यान, अर्जुन तो साधारण नहीं, ध्यान में बैठे, अपना दिव्य समाधि को धरा, सारा दुनिया को गई, गया कहाँ बच्चा, भूर भुव मोह जना तप सत्य हतल बीतल तलातल पातल रसातल सब जगह में घूम गए ध्यान से, हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिला बच्चा। बोले बच्चा गया कहाँ। फिर उसने प्रतिज्ञा किया था, मैं अग्नि में शरीर को आहुति दे दूंगा। फिर चिता जलाने के लिए गए, कृष्ण बोले आ मेरे साथ। तब उन्होंने लेकर के उन्होंने भगवान नारायण के पास में वैकुंठ में गए। नारायण के पास में जब गए, इतने में वही पर ये श्लोक है, हाँ देखो, दिजात मजात में जुबयोर दिदुख सणम। ये श्लोक जो कह रहे हैं, कहते केवल जब भगवान नारायण के पास में गए, नारायण ने कहा प्रभु आपका ये इतना सुंदर रूप है, ये रूप को केवल देखने के लिए मैं बच्चों को मैंने चोरी किया है। वह भगवान भी कृष्ण रूप दर्शन के लिए भगवान भी चोरी किया बच्चों को, क्योंकि ठाकुर का राज्य में बच्चे अगर जाएंगे ठाकुर का दोष लगेगा, और ठाकुर एक दिन ये बच्चों के लेने के लिए आएंगे तो फिर इसी बहाने से क्या होगा, दर्शन हो जाएगा। इसी विषय पर इतने बृहद टीका है, इतने बृहद टीका है, इसलिए वहाँ पर स्वयं नारायण कृष्ण को बलराम को कह रहे हैं, बोले मेरे दो केसेस है, काला केस और सफेद केस, तुम दोनों प्रकट हुए हो, इसलिए जल्दी जल्दी ये भूभार को हरण करते हुए तुम लोग वापस आ जाओ। इसलिए जो नारायण का जो भक्त लोग है, यह चीज को लेकर के बोले देखो नारायण के अंश से कहते काला और सफेद केस से कृष्ण बलराम प्रकट हुए, और स्वयं कह रहे भूभार हरण करके अपना पास में आ जाना। तो बड़े कौन हुए, नारायण हुए, हाँ बड़े नारायण हुए, फिर कृष्ण कैसे हुए। और इसके ऊपर में विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी इतने बृहद उन्होंने टीका लिखे, विशाल उन्होंने टीका लिखे, इसलिए कहते हैं उसमें काला और सफेद केस से। इसका मतलब सफेद किसका होता है, जो बूढ़े हो जाते हैं, क्या नारायण बूढ़े हो गए तो उनका सफेद केस हो गया है। हाँ वहाँ पर विश्वनाथ चक्र ठाकुर बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं, बोले तब नारायण क्यों बोले ये भूभार हरण करके आ जाना, बोले कारण है क्योंकि जैसे जैसे अभी जोगी, अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जो आदित्यनाथ जोगी, अगर मोदी को भी कुछ काम करना होगा ना, ये जोगी को अधीन भी काम करना होगा, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जोगी है, हैं, वो यद्यपि प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन यहाँ क्षेत्र की अगर कुछ काम करना होगा किसके माध्यम से करना पड़ेगा, ये जोगी के माध्यम से करना पड़ेगा। उसी तरह
ये जो नारायण है, हैं, जो नारायण है कृष्ण को काम नहीं, ये जगत का सृष्टि स्थिति प्रारंभ करना कृष्ण का काम नहीं। कृष्ण तो नित्य गोलोक वृंदावन में वो लीला करते रहते हैं, हैं, लेकिन ये सबको नारायण आदि इनको द्वारा ये सब काम ये जगत का करवाते हैं। इसलिए भगवान को भी अगर कुछ आदेश देना, कुछ करवाना है, कहते इनको माध्यम से ही ठाकुर जी को करना पड़ेगा। इसलिए वहां पर कह रहे हैं तुम लोग ये भूभार हरण करते हो, ये क्या करना, ये विश्वनाथ बहुत इसको ऊपर में बहुत लंबी उन्होंने टीका बताई। इसलिए कहते हैं कृष्ण इतने सुंदर है, स्वयं नारायण भी जिनका रूप प्रति आकृष्ट होकर के बच्चों को उन्होंने चोरी करते हैं। दूसरा उदाहरण दिए है बिहाय कामान, बोलो बिहाय कामान सुचिर धृत व्रता। इसलिए स्वयं लक्ष्मी भी अपना वैकुंठ का सुख को छोड़ करके कहते बैल वन में भी वो कठोर तपस्या कर रही है। बोले क्यों? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। इसलिए कृष्ण पूछे तुम इतने कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? बोले प्रभु आपका रास्ते में प्रवेश करना चाहता हूँ, आपको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। बोले भैया मेरे को प्राप्त करने के लिए किसी गोप घर में जन्म लेना पड़ेगा, वहाँ कंडा थपथपाना पड़ेगा, दधि मंथन करना पड़ेगा, जो मिट्टी गोबर की घर में पोता लगाना पड़ेगा, करोगे? बोले कर लूंगी। बोले और एक काम, बोले क्या है? तुम्हारी जो शादी है ना मेरे साथ नहीं होगी, किसी गोप के साथ में शादी होगी, फिर गोपियां जैसे मेरे को परिया रूप में दूसरे पुरुष रूप में प्रेम करते हैं ऐसे ही प्रेम करना पड़ेगा। बोले शादी तो आपको मैं कर सकता हूँ, लेकिन और किसी गोप से शादी होकर के वो जैसे छुप छुप कर प्रेम करते हैं, ये तो मेरे से नहीं होगा, हैं, ये मेरे से नहीं होगा, मैं यही काम नहीं कर सकते। बोले फिर तो तपस्या करते रहो। बोले अभी भी लक्ष्मी बैठ करके तपस्या कर रही है, क्योंकि उन्होंने जो ब्राह्मण अभिमानी लक्ष्मी अभिमान को अभी तक उन्होंने त्याग नहीं दे पाए। इसलिए कहते लक्ष्मी भी जिनके रूप को देख करके हाँ मुग्ध हो जाती है, तपस्या करती है। कहते अपर कलित पूर्वम कश्चमत कारकारी, कृष्ण इतने सुंदर, कहते अपना रूप को जब मणि स्तंभ में प्रतिबिंब होते हुए अपना परछाई को देखते हैं कृष्ण भी मुग्ध हो जाते, भैया ये कौन है इतने सुंदर? बोले काम है राधिक, ये श्लोक याद कर लेना है, ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी का ये श्लोक है, कृष्ण कैसे स्वयं अपना परछाई को देख रहे कृष्ण स्वयं मुग्ध हो जाते हैं, और राधा रानी जैसे हैं, राधा रानी जैसे प्रार्थना करते, राधा रानी जैसे कृष्ण को आलिंगन करती है, मैं कब श्री राधा रानी बन करके कब ये रूप को मैं आलिंगन करूंगा, ये कृष्ण स्वयं मुग्ध हो जाते हैं। और कहते कृष्ण ने माधुर्य देखी वासुदेव रखो। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर, जिस ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन कृष्ण का रूप देख करके कहते स्वयं जो मथुरे जो कृष्ण है वो कहते हैं उनके मन में भी खोब हो जाता है, मैं कब श्री वृंदावन कृष्ण का माधुर्य को आस्वादन करूंगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं स्मरण भगवत त्रय, बोलो जोर से कैसे तीर्थोपकंठ। इसलिए माँ प्रतिष्ठा, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर श्री यज्ञ रूप गोस्वामी का ये श्लोक है, वो कह रहे हैं बोले भैया खबरदार मथुरा मत जाइयो, अगर मथुरा पर भूल से चले गए ना कैसे तीर्थ घाट में तो प्यार नहीं रखनी चाहिए। बोले ऑलरेडी तो मैं वहीं पर खड़ा हूँ, वहीं पर खड़े, बोले गड़बड़ी कर दिया तुमने, अगर वहां पर चले गया ना पास में श्री गोविंद देव का मंदिर, वहां तो प्यार पड़नी नहीं चाहिए। बोले गोविंद देव मंदिर में तो खड़ा मैं हूँ। बोले भैया फिर तो वो जो गोविंद देव को तो दर्शन मत क्या करो, हैं, उनकी जो टेढ़ी चितवन है, उनका जो बंसुरी है, उनका जो मीठी मीठी मंद मंद मुस्कराहट, और उनका जो तेरी सी चितवन, और उनका सर पर जो मर मुकुट, ये कभी वहां नजर पड़नी नहीं चाहिए, हैं, नजर पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि सिर ऊपर नए नहरे के होना ही घर फिरे, संसारी जीवन से तो है सर्वनाश। कहते वो रूप को देख करके फिर कोई अपना संसार में नहीं वापस आते हैं। अगर पति देखेगा तो पत्नी को भूल जाएगा, पत्नी देखेगा तो पति को भूल जाएगा, हैं,
इसलिए बच्चे देखेगा तो पिता माता को भूल जाएंगे, पिता माता देखेगा तो बच्चों को भूल जाएंगे। इसलिए कहते खबरदार ये रूप को कभी दर्शन मत किया करो। इसका मतलब है रूप गोस्वामी कहते अगर ये जीवन को धन्य बनाना चाहते एक बार रूप को देखो, देखो कृष्ण कितने सुंदर है कृष्ण। इसलिए कहते कृष्ण जतक खेला सर्वोत्तम लीला, कृष्ण का जितने लीला है उनका सर्वश्रेष्ठ कौन लीला है, बोले नर रूप में कृष्ण रूप में आकर के जो लीला किए ये सर्वश्रेष्ठ। बोले नर बपु तहार स्वरूप, उनका जो स्वरूप क्या नर बपु ही उनकी स्वरूप है। कहते गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर नर लीला रहे अनुरूप, उनका रूप कौन सा श्रेष्ठ रूप, बोले गोप वेश वेणुकर, जब वो गोप वेश धारण करते हैं हाथ में बंसुरी लेते हैं नव किशोर नटवर नर लीला रहे अनुरूप, उनका जो लीला जैसे साधारण जैसे इंसान लीला करते हैं इनके ठीक वैसे लीला है। इसलिए कहते कृष्ण मधुर रूप सुन सनातन महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को भी कहते हैं बोले जय रूप पर एक कण डुबाए त्रिभुवन, जिन रूप का एक जो कण है वो त्रिभुवन को डुबा देता है। बोले सर्व प्राणी करे आकर्षण, कहते सारे प्राणी को वो रूप आकर्षण करता है। बोले जोग माया चित शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति तार शक्ति लोक देखाई थे, कहते कृष्ण ये कृष्ण रूप में आए क्यों, कहते जोग माया को द्वारा अवलंबन करते हुए उनका जो विशुद्ध सत्व का जो परिणत जो रूप है ये सारा दुनिया को इस रूप को द्वारा मुग्ध करने के लिए कृष्ण इस रूप में आए। इसलिए कहते हैं ये कहते भूषणा भूषणा में ये है सूरदास की कथा थी ना, जैसे कभी सूरदास रोज रोज जो हरिदेव का मंदिर है रोज रोज वहां पर श्री विठलनाथ जब सेवा करते थे वो जैसे जैसे श्रृंगार करते थे वो ठीक वैसे वर्णना कर लेते थे। तो उन्होंने देखा भैया ये रोज जो से जैसे श्रृंगार करता हूँ ठीक वैसे ही वर्णना करते क्या क्या नाटक कर रहा है अंधे का अंधेपन का। एक दिन उन्होंने पूरा उन्होंने पूरा नंगा ही नंगा रख दिए और गले में एक मोती की माला डाल दिए, सामने स्क्रीन को खींच करके बोले बाबा बताओ तो आज ठाकुर जी कैसे रूप धारण किया, क्या बोले आज देखो भाई नंगम नंगा तरंग छवि के उठत तरंग। हाँ बोला आज तो ठाकुर जी की छवि की अद्भुत तरंग है, ठाकुर जी का रूप है क्या सुंदर रूप है। इसलिए एक समय कृष्ण कुंजे से निकलते हुए जा रहे, तो कुंजे से निकलते हुए जा रहे इतने में श्री राधा रानी ललिता से पूछ रहे बोले ललिते ये बताओ तो ये व्यक्ति कौन है, बोले क्यों अभी तो तेरे साथ में मिलते हुए गए, बोले नहीं इनको तो हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, कभी उनको जीवन में देखा ही नहीं। मतलब कृष्ण को जब जब देखो ना कृष्ण कैसे लगते हैं, जैसे जीवन में कभी देखा ही नहीं, जैसे ठाकुर को दर्शन करते ना सवेरे देखो दोपहर में देखो शाम को देखो आरती में देखो जब देखो ठाकुर जी, कभी ठाकुर पुराने ही होते हैं। लेकिन इस जगत में क्या है, कोई भी बढ़िया से बढ़िया सुंदर चीज हो ना, कोई भी दुनिया में सबसे कोई सुंदर से सुंदर चीज हो, एक बार दो बार देखने के बाद अरे हो गया और कितना वही मुख वही चेहरा वही सब कुछ कितना बार हम देखेंगे वो चीज को। लेकिन ठाकुर जी को जब जब देखो ठाकुर जी हर समय नए नए लिखते हैं, ठाकुर कथा एक ही कथा हम सुनते हैं एक ही कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन ठाकुर की कथा भी जब जब सुनते हैं ठाकुर जी उस समय भी नए नए लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते स्वयं असामात्य त्रय त्रिधस श्लोक याद है, इस श्लोक भी याद कर लेना, बोले स्वराज्य लक्ष्याप्त समस्त काम बलिहरत भीर चिर लोक पालई किरीट कोटि इद पाद पीठ। जब कृष्ण तत्व को ऊपर बोलने के लिए जाएंगे जो श्लोक है कृष्ण तत्व में बहुत अच्छा अच्छा श्लोक ये श्लोक है। इसलिए जन्मर्त लीलम पैकम और स्वयं तो असामात त्रय त्रिधीस ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इस श्लोक को आप लोग याद कर लेना। इसलिए उसको कौन सा स्वयं तो साम्याति त्रय त्रिधीस स्वराज्य लक्ष्माप्त समस्त काम बलिंग हरत भीर चिर लोक पालई किरीटी कोटि इड पाद पीठ ये श्लोक है। इसलिए कल इसकी व्याख्या हम लोग सुनेंगे,
आज हम लोग कहीं जाना पड़ेगा ना। हाँ, आज मेरठ प्रोग्राम है। नौ नौ बजे फिरोजी आप चलेंगे ना? फिरोजी हाँ चलो, एक एक गाड़ी इनका है, एक गाड़ी आपका है। टाइम कितना है? गैस कितना? इसको यहाँ से कितना